नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की चर्चा भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके दो कारण हैं। एक तो पाकिस्तान का भारत के साथ बुरी तरह से मैच हारना और दूसरा कारण है कि चंद्रयान जो भारत का गया है उसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत लंबी बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान का अब क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान 1947 के बाद से ही भारत की बराबरी करने की सोचता रहा है और यूँ कहें कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता था भारत से, लेकिन भारत ने कभी अपने आप को सुपीरियर नहीं समझा, सबको समान मानता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा आज भी दे रहा है और जी समिति हुई उसमें भी कहा कि एक वसुंधरा और एक परिवार और एक पृथ्वी और एक जलवायु, सब मतलब एक है, हम कोई हमारे छोटा बड़ा नहीं है। और हम बात करें, पाकिस्तान की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि पाकिस्तान में इस समय भुखमरी के हालात हैं, वहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो लोग इस समय चाहते हैं कि हम जो जिन्ना ने गलती की थी पाकिस्तान को बनाकर, उस गलती को हम सुधारना चाहते हैं और पूरा पाकिस्तान भारत में विलय कर जाए तो उनकी रोजी रोटी वापस चलनी शुरू हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो हम POK की बात करते थे, अब तो पूरा पाकिस्तान ही भारत में विलय को तैयार है। तो आपने देखा होगा कि POK में लगभग 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ की जनता किसी भी तरह से कहते हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो, हम भारत में जाना चाहते हैं। उधर गिलगित बटालिस्तान में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और वहाँ भी लाखों लोग इकट्ठे होकर के कारगिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उधर बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रांत है वो अफ़गानिस्तान कहता है कि ये बलूच लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ रहें, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान इनको कुछ दे नहीं पा रहा है, जो मिनरल्स वगैरह निकाल करके अपने दूसरे एरियों में उनका पैसा खर्च करता रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और भी आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम भारत में विलय करके और फिर से एक बृहद भारत जो पहले था वैसा का वैसा बन जाए और हम मिल करके रहें। पहले जहां आम जनता थी वो भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी की बात करती थी, आजकल तो वो खुद ही कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान और हम भाई भाई हैं, हम मिलके रहेंगे। और एक अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत यहाँ से रसद भेजता है वो पाकिस्तान के रास्ते होकर के जा रही है। तो इतनी भुखमरी फैल गई है कि पाकिस्तान वाले उन ट्रकों को रास्ते में लूट लेते हैं और अपने अनाज को खा लेते हैं, इसलिए तालिबान बहुत ही नाराज़ हो चुका है। तो कई बार पाकिस्तान को कहा भी है कि भैया हमारा अनाज मत लूटो। तो इसी के कारण बलूचिस्तान प्रांत के अंदर जो अफ़गानी हैं, जो TTPK है, उन्होंने आक्रमण कर दिया और वहाँ पर भयंकर युद्ध भी चल रहा है। तो स्थिति दिनों दिन पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है और जो पाकिस्तान के PM थे अभी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनका पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़ करके लंदन जा चुका है और एक काम चलाओ किसी आदमी को बिठा दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि जो अभी जनरल हैं आर्मी के, थोड़े दिनों बाद वो भी किसी को दूसरे को बिठाकर वो भी पाकिस्तान छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा मानना है कि पाकिस्तान से हर रोज़ 10 से 15 हज़ार लोग जिनके पास पैसा है जो छोड़ सकते हैं इमीडिएटली पाकिस्तान छोड़ करके जा रहे हैं। और उसका कारण है कि जो गरीब लोग हैं, जो भुखमरी के कारण कभी भी अमीरों पर आक्रमण हो सकता है। देखिए, भूखों मरता है तो क्या नहीं करता आदमी, तो जहाँ रोटी मिलेगी, जहाँ धन मिलेगा, जहाँ पैसा होगा वहाँ लूटमार होगी और जिनके पास पैसा है तो उनको लूट करके लोग खाएंगे। भूखों मरने से तो अच्छा लूटमार होती, यही गृह जैसी स्थिति होती है। इसलिए जो लोग जिनके पास पैसा है, इंडस्ट्री है जिनके पास, वो अपना कारोबार समेट करके और रुपया लेकर के पाकिस्तान से जल्दी निकलना चाहते हैं। हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई है कि जब थोड़े दिनों के पहले अमेरिका जब अफ़गानिस्तान को छोड़ के गया था और तालिबानियों ने शासन को अपने हाथ में लिया था, तो जिस तरह से वहाँ हवाई अड्डे पर भगदड़ मची थी, लोग अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान वो एक डर था, लेकिन वो नहीं छोड़ते तो भी तालिबान अब पहले जैसा नहीं रहा है, सभी को समान अधिकार दे रहा है, कुछ बदल गया है, अच्छा रूल कर रहा है और आने वाले समय में अफ़गानिस्तान का विकास भी करेगा। इसीलिए अफ़गानिस्तान के साथ दूसरे देश भी जुड़ते जा रहे हैं, भारत बहुत ही मदद कर रहा है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के अंदर अभी अराजकता का माहौल है। तो कुछ ही दिनों के बाद में देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये तो तय है कि बलूचिस्तान तो लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। रही बात गिलगित बटालिस्तान और POK की,
तो मुझे लग रहा है दिसंबर तक रुक जाइए, दिसंबर तक के समय है और 12 से 15 दिसंबर तक ये पीओके और बटालिस्तान और गिलगित ये सारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी मैं कहें कि जो ले लद्दाख है उसमें बटालिस्तान को मिला दिया जाएगा और हो सकता है कि गिलगित को एक यूएन बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी, और जो पीओके का हिस्सा है वो कश्मीर को वापस मिल जाएगा और वहाँ पे चुनाव भी होंगे, सब कुछ सही होगा और वहाँ के लोग भी सुखी हो जाएंगे और भारत पाकिस्तान के बीच जो 76 सालों से जो संघर्ष चला आ रहा है, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, बहुत सारा यहाँ पर हमारे सैनिक भी शहीद हुए, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो मुझे लग रहा है अब उनकी कुर्बानियों का जो रंग है अब सुर्ख होने लगा है और जल्दी ही भारत अपने जो खोए हुए जो पीओके वगैरह है उसको प्राप्त करके एक बृहद भारत का निर्माण करने जा रहा है। आप भी शुभकामनाएं दीजिए कि भारत ये काम जल्दी से जल्दी कर दे, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि जिन्ना की गलती को सुधार के पाकिस्तान को जो बनाने की गलती की थी उसको वापस भारत में मिला लिया जाए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए या नहीं, या उनको अलग ही रहने देना चाहिए, राय जरूर दीजिएगा। और अगला वीडियो कल लेकर आऊँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।